हस्ताक्षर किए हैं, व्हिप हस्ताक्षर की कॉपी जारी कर दी गई है। बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस के व्हिप पर सभी एमएलए के हस्ताक्षर मिल गए हैं, पार्टी के सचेतक ने जारी की है और संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, देखिए सभी लोगों के हस्ताक्षर ले लिए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए बिल्कुल, अजीत शर्मा जो पूर्व सीएलपी हैं उनके आवास की ये तस्वीर है और सारे विधायक अंदर मौजूद हैं इस वक्त, और अभी से थोड़ी देर पहले सभी के हस्ताक्षर जो इनके बचे हुए थे हस्ताक्षर वो ले लिए गए हैं और एक साथ 10:15 से 10:30 बजे का वो वक्त होगा। कितने बजे आप यहां से पूछ करेंगे विधानसभा? बस अब थोड़ी देर में निकलेंगे, 15-20 मिनट। पूरी तैयारी हो गई, हम सारे लोग हैं साथ। पहले ये बताया जाता था कि आप लोग राजद के साथ विधानसभा मार्च करेंगे, लेकिन अब अकेले आप लोग निकल रहे हैं? तो हो गया, वो लोग भी पहुंच जाएंगे, हम लोग भी पहुंच जाएंगे। तय है उसमें क्या है, नीतीश जी बहुमत नहीं हासिल कर पाएंगे ना। हाँ तो सच्चाई है, क्या दावा है आपके? तो यह सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक घंटा में सब तय हो जाएगा ना, ये सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाएगी। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की भी तैयारी थी महागठबंधन की तरफ से, ये आरोप लगा रहे जदयू के नेता। ये तो उल्टे चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई जी। तोड़फोड़ करने में किसको महारत हासिल है, कौन लोकतंत्र को ध्वस्त करने पर तुला हुआ है, ये सबको पता है। विधायकों को तोड़ने का काम एनडीए करती है, बीजेपी वाले करते हैं, बीजेपी के सहयोगी जदयू कर रहे हैं, अब कांग्रेस कहाँ सब करती, कांग्रेस तो बचाती है, लोकतंत्र के बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल, प्रेमचंद मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने भी दावा किया।